नमस्कार, ज्ञान भी व दान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम लोग इतने ज़्यादा परेशान कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमारी राशि कौन सी बनती है। नाम राशि यानी अक्षर से जो आपकी राशि बनती है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन होते कैसे हैं आप, क्या होता है आपकी ज़िंदगी में एडिशंस, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, स्वभाव कैसा होता है, देखने में कैसे होते हैं, और तो और क्या करते हैं ऐसे लोग, किस तरीके का टेम्परामेंट होता है ऐसे लोगों का। अब ये सारी चीज़ें जो निर्धारित होती है कैसे की जाएंगी, जब आपका जन्म होता है और चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी को आधार बना करके आपके जो नाम का अक्षर निकाला जाता है। अब हम बात करें कि कुछ ऐसे अक्षर जिनका आपने याद रखना है, जैसे चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। अब ध्यान से सुन लीजिए, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अगर आपकी ये सब अक्षर हैं तो आपकी मेष राशि बनती है। अब मेष राशि वालों को सबसे पहले ये देखना है कि मेष है क्या, मेरा यानी इनके स्वामी तो मंगल होते हैं, ये इनकी जो ये कौन सी लुक को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा एक लुक होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब सबसे बड़े थे कि जब हम चक्र की बात करते हैं, चक्र में नंबर वन पर आती है ये राशि यानी पहला प्रथम। जैसे हम कुंडली की बात करते हैं तो जो प्रथम स्थान पर पहले स्थान पर राशि पड़ती है एक नंबर की, वो होती है मेष राशि। इसके भी स्वामी मंगल होते हैं, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो जो होते हैं, एरीज के भी स्वामी मार्स होते हैं और स्कॉर्पियो के स्वामी भी मार्स ही होते हैं, यानी वृश्चिक और मेष राशि इन दोनों के स्वामी जो होते हैं वो मंगल ही होते हैं। अब हम जब बात करते हैं नेचर की, तो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, मतलब जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, तेज होते हैं, क्योंकि युवा प्लेनेट है, यंग प्लेनेट है, एनर्जेटिक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके ना एनर्जी के अंदर इनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। बट इनको थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को संभालने की ज़रूरत पड़ी है। बड़ी जल्दी रुखापन, गुस्सा, गुस्सैल, ये सब चीज़ें आती हैं। देखने में अच्छे होते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं होती इनको, कि मतलब इनको सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इनको दूसरे का दबाव पसंद नहीं होता। ये अच्छी बात क्या कहा, बिल्कुल किसी की बात ही नहीं सुनी, अच्छी है, लेकिन इनको दूसरे के ऊपर दबाव बनाना बहुत अच्छा लगता है। भाई आप किसी की बात सुन नहीं रहे हैं तो आप दूसरों पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा, नहीं होता ना। तो बैलेंस जो चलना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाई पोजीशंस इनकी अच्छी होती है, इनको पसंद भी होता है, लीडिंग बने रहना हमेशा, इनको हमेशा चाहते हैं कि रिस्पेक्ट मिले इनको। और सबसे दिक्कत वाली जो बात आती है वो मैं बता रही हूँ आपको, कि इतना ज़्यादा ये अग्रेसिव और जल्दी जल्दबाजी मचाते हैं, यानी बड़ी हाइपर की तरह एक हमेशा रिएक्ट करते हैं, हर काम जल्दबाजी में हो जाए, फटाफट हो जाए, हमें ज़्यादा एफर्ट्स कम करने पड़े, हम जहाँ जाएँ हम लीडर की तरह दिखे जाने चाहिए, हम लोगों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक जल्दबाजी का एक इम्पैक्ट जो है वो रहता है। जल्दबाजी जहाँ होती है वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, ये जल्दबाजी के चक्कर में ही दूसरों से धोखा खा जाते हैं और इनके अंदर एक ईर्ष्या वाला भाव हमेशा रहता है। जैसे किसी ने इनको कुछ कह दिया ना, तो टिट फॉर टैट करना, इनको चाहे कभी भी करना पड़े पर ये करेंगे, ये अपना एक वक्त का इंतज़ार करते हैं, ये दबते नहीं हैं, सिर्फ कुछ पल के लिए एक समय के माहौल को देख करके थोड़े से शांत हो जाते हैं, अच्छा हम तो बदला लेके रखेंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं, इन लोगों को खास करके अपना ध्यान रखने की ज़रूरत, क्योंकि चीज़ें पास में आते आते इनसे दूर जाती हैं, कैपेबल होते हैं लेकिन इनके पास चीज़ें आ नहीं पाती, क्योंकि इनका हाइपरनेस जो होता है, इनका अग्रेशन जो होता है, इन्हें बहुत इरिटेट करता है। और इन्हें क्या इरिटेट करता है, सामने वाले को ज़्यादा इरिटेट करता है। तो हमेशा क्वालिटी को डिसक्वालिटी ना बनाए, मंगल की आराधना करनी चाहिए, किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह लेकर के कोरल यानी मूंगा जो है वो ये पहन सकते हैं, और साथ के साथ अगर ये चाहें तो हनुमान जी की आराधना करें, भगवान की आराधना करें, मन को शांत रखने का प्रयास करें, मेडिटेशन करनी चाहिए इनको। और ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादातर
जिमिंग फील्ड में इन लोगों को जाना चाहिए अगर इनका मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बड़ी एनर्जी होती है, बैठते नहीं हैं जल्दी, इनको चलते रहना, काम करते रहना, ये सब चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें पाने के लिए थोड़ा सहनशीलता, थोड़ा बैलेंस बना के चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें जुड़ेगी, ना कि गलत चीज़ें जुड़ेगी। कंट्रोल योर सेल्फ, समझिए अपने आप को और अपने उपाय खुद कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ लेकर के जाती हैं, और आगे के लिए भी आपने ध्यान रखना। अब आपने समझ तो लिया, लेकिन अब आपने ये समझना है कि हमें कैसे चीज़ें बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाना है। अगली राशि की भी बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारी राशियों के, पूरी 12 राशियों का हम जिक्र करेंगे। बीच बीच में सुबह के 6 बजे के शो में ये राशियाँ आपकी आती रहेंगी। नेक्स्ट राशि का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक आप अपने आप को समझिए। मेष राशि वालों, एरीज वालों, अपने आप को समझिए और अपने जीवन के मिशन को जल्दी से जल्दी सक्सेस करना है तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।